Brothers and sisters, just because Ramadan went by, it's a good opportunity to remind, because, you know, about the next point. पहले कार्ड, और कार्ड के लिए यहाँ पे आपको $1 डालना पड़ता है। जब आप $1 डालोगे, अच्छा मुझे लग रहा है कि ये बिल $100 से ऊपर जाने वाला है। हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले जुम्मा नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद व्लॉग में क्या क्या होगा वो आप जो है आगे खुद देखिए, और मेक श्योर करें कि वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो नमाज के बाद आप मौसम आप देख सकते हो यार, कम से कम 10 दिन लगातार बारिशों के बाद इतनी प्यारी धूप निकली है कि दिल करता है कि बस आप कहीं रोड के किनारे बैठ जाओ और पूरा दिन धूप सेकते रहो। लेकिन चलते हैं आगे। गाड़ी भी दूर पार्क की हुई है, क्योंकि यहाँ पे जुम्मे के दिन बिल्कुल पार्किंग कहीं पर भी नहीं मिलती, दूर दूर गाड़ी पार्क करना पड़ती है। और आगे मैंने ग्रॉसरी का चैलेंज भी रखा हुआ है कि $100 ग्रॉसरी में आप क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या ले सकते हो। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरे पास है कैनेडा के $100, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 21,000 बनते हैं, और मैं ग्रॉसरी पे निकला हूँ। आपको दिखाता हूँ आप कनाडा में $100 में क्या क्या चीज़ें ले सकते हो। अच्छा, तो पहले हम लेंगे कार्ट यहाँ पे, और कार्ट के लिए यहाँ क्या सिस्टम है कि आपको $1 अंदर डालना पड़ता है, बगैर $1 के आप कार्ट नहीं ले सकते। आप देख सकते हैं चेन लगी हुई है, और जब तक आप $1 अंदर जो है एंटर नहीं करोगे, आपकी कार्ट बाहर नहीं आएगी। अब मैंने एंटर किया, आप देखो मैं कार्ट यहाँ से निकाल ली है मैंने। और जब आप अंदर आओगे तो आपको हर जगह यहाँ पर ऐसे बैग्स लगे नज़र आएंगे। आप बैग निकालो, आपको जितने मर्ज़ी बैग निकालने हैं आप बैग निकाल के जितनी भी आपने जो भी चीज़ लेनी है आप उसमें आराम से डाल सकते हो। तो ग्रॉसरी की शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट होने वाली है, और आपको मैं दिखाता हूँ ये यहाँ का कोकोनट। यहाँ का कोकोनट यार, इसकी स्पेशल बात यह है कि इतना मीठा होता है, यहाँ की गरी इतनी मीठी है, और आप एक दफ़ा ले लो आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमें आलू चाहिए यहाँ से, और ये रेड पोटैटोस लगे हुए ऑलमोस्ट $3.99 के, तो उठा लेते हैं एक पैकेट यहाँ से और चलते हैं आगे। देखते हैं आगे क्या लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड जो है $100 हैं, उसमें हमने देखना है कि क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ की रोटी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पाकिस्तान में मिलती है ना गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, बिल्कुल ऐसी रोटी आपको यहाँ से भी बनी बनाई मिल जाएगी। और रोटी के साथ साथ आप नान चेक करो, जैसे अफ़गानी नान मिलते हैं ना पेशावर साइड पे, ऐसे नान, यानी कि आपको हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, तो ये गार्बेज बैग्स हैं यहाँ पे, हम जो भी गार्बेज होता है उसको हम ब्लैक बैग में डालते हैं कनाडा में, जो ऑर्गेनिक है, जिसमें आप ऑर्गेनिक में खाने पीने की चीज़ें होगी वो वाइट बैग में डाल के फेंकते हैं, और रिसाइकल में प्लास्टिक की बॉटल्स जितना भी सामान हो गया वो ब्लू बैग में डालते हैं। यहाँ पे हमें 3 बिन्स दी जाती हैं, जिनमें से ग्रीन हो गई, ब्लैक हो गई और ब्लू हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो उसके लिए हमें ये लेना पड़ता है। इसके अलावा पानी चाहिए, तो पानी भी यहाँ से ले लेते हैं और चलते हैं फिर आगे, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें लेनी है अभी हमें। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये बिल $100 से ऊपर जाने वाला है। चिप्स देखें, आपको $5 से नीचे नहीं मिलेगा हमें कोई भी चिप्स लेने हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना हर जो भी चिप्स है उसका जो फ्लेवर है उसके साथ आपको एक डिप सॉस आपको लेनी पड़ती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। अब ये देखें, इसके साथ ये डिप सॉस है, जो ये पड़े हैं चिप्स उसके साथ सालसा कह लें या डिप सॉस कह लें, हाँ सालसा, उसके साथ आपको ये डिप सॉस लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी 4.99 में। इसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए हम आपको हर ग्रॉसरी स्टोर पे हलाल जो है हलाल ऑप्शन अलग मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने पूरा सेपरेट एक पोर्शन बनाया हुआ है हलाल के नाम से, तो जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो हलाल की जो है जो भी हलाल चीज़ें वो ईज़िली यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, तो $92 में हो गई शॉपिंग, $100 कैश था मेरे पास, और $92 में आलमोस्ट जितनी भी थी ग्रॉसरी वो डन हो गई है।
लेकिन अभी थोड़ी सी रहती है वो देसी स्टोर से अलग करनी है, उसमें राइस लेने हैं और कुछ मसाले वगैरह लेने हैं घर के लिए, तो वो $20-30 ऊपर आप रख लो, तो एक्स्ट्रा यानी कि 130-140 तक आपकी ग्रॉसरी यहाँ पे हो जाती है एक टाइम की। अब जो मैंने पहले कार्ट निकाली थी यहाँ पे $1 डाल के, अब कार्ट वापस लगानी है, जब आप वापस लगाओगे तो आपको $1 वापस मिल जाएगा आई थिंक, तो कैसे होता है आई थिंक ये, यहाँ पे आप जब इसको चेन वापस लगाओगे तो ये आपका $1 जो है यहाँ पे निकल आया। Celebrating this beautiful day, you have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. I can see smile on every face. पिछले कई काफी दिनों से ना ये निहारी खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो इसलिए मैं आज आया हूँ कढ़ाई पॉइंट यहाँ पे। कढ़ाई पॉइंट जो है ये मिसिसागा में है और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अंदर चलते हैं, निहारी ऑर्डर करते हैं और चेक करते हैं इनका टेस्ट कैसा है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा मैं आपको यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ, सॉरी लाइट पड़ रही है, नज़र शायद ना आए आपको, लेकिन इस तरह करके देखते हैं तो शायद नज़र आ जाए। ये कढ़ाई पॉइंट है, अच्छा तो चेक करते हैं। बीफ बिहारी कबाब देख लें आप लोग, $17, almost $18 के बीफ निहारी कबाब हैं। बीफ सीख कबाब भी अब मौजूद है, चिकन सीख कबाब हैं, 3 pieces $17 के। इस तरह जो हमने जो मैंने ऑर्डर किया निहारी वो आपको $16 की है एक प्लेट, बाकी चिकन टिक्का मसाला $16 का, बटर चिकन जो है $16 का यहाँ पे। तो ये है पाकिस्तानी जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनकी प्राइसिस कुछ ज़्यादा है कैनेडा में। अच्छा इनका सिग्नेचर कढ़ाई भी है यहाँ पे, चिकन कढ़ाई जो है। अच्छा अब आप हाफ इनकी प्राइसेस चेक करो, हाफ जो है हाफ चिकन निहारी जो है बोनलेस वो $27 की ऑलमोस्ट, डार्क मीट और वाइट मीट में, और जो फुल है वो है $45 की। तो जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तानी जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनकी प्राइसेस कुछ ऐसे ही हैं यहाँ पे। अच्छा तो निहारी जो है वो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ की निहारी कैसी है, ये साथ गर्मा गर्म रोकनी नान भी है, सैलिड है साथ, लग तो अच्छी रही है, अब खाने के बाद पता लगेगा। निहारी बहुत ही मज़े की है लेकिन गर्म बहुत है। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खा के चेक करते हैं कैसी है। बहुत मज़े की है यार,